रविंद्र जडेजा ने इंदौर में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में पहले विकेट के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 विकेट और 5000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बने। वो कपिल देव के बाद दूसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन और 500 विकेट चटकाए हैं। इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव की बराबरी कर ली है। तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय बल्लेबाजी ज्यादा अच्छी नहीं रही, पूरी टीम 109 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने सदी हुई शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी की दूसरा ओवर रविंद्र जडेजा ने फेंकने आए। हेड ने रविंद्र जडेजा के ओवर की चौथी गेंद को खेलना चाहा। इस दौरान उन्होंने गेंद की लाइन मिस की जिसकी वजह से गेंद उनके पैड पर लगी। जडेजा ने अपील की और अंपायर ने ट्रेविस हेड को आउट दे दिया। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट ट्रेविस हेड के रूप में गिरा जिनको रविंद्र जडेजा ने अपना शिकार बनाया। ये एक रिकॉर्ड विकेट थी। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भी अन्य बल्लेबाजों की तरह पहली पारी में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन गेंदबाजी में आते ही एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ट्रेविस हेड का विकेट रविंद्र जडेजा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 500वां विकेट था। इससे पहले ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन पूरे कर लिए थे। 500 विकेट और 5000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले जडेजा दूसरे गेंदबाज बन गए। इससे पहले ऐसा सिर्फ कपिल देव ही कर सके। कपिल देव ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 687 विकेट चटकाए हैं और 9031 रन बनाए हैं। अभी तक रविंद्र जडेजा के नाम टेस्ट में 260, वनडे में 179 और टी20 में 51 विकेट चटकाए हैं। रनों की बात करें तो अभी रविंद्र जडेजा के नाम तीनों फॉर्मेट में 5523 रन हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में जड्डू के नाम से मशहूर रविंद्र जडेजा मौजूदा समय में शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट में उन्होंने 7 विकेट लिए थे। वहीं दिल्ली में जडेजा 10 विकेट चटकाने में सफल रहे। इस दौरान दोनों मुकाबलों में वो बढ़िया बॉलिंग की। इन दोनों मैचों में उम्दा प्रदर्शन करने के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। मौजूदा टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो जडेजा अब तक 18 विकेट ले चुके हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल स्पोर्ट्स बीट इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें।